मैंने साथ में काम किया। हमारे दर्शकों को अपने बेटे के बारे में कुछ ऐसा बताएं जो हम लोग नहीं जानते। मेरा बेटा देश सेवा भावी है और अच्छा काम करता है सब काम। पढ़ाई में तेज था कि नहीं आपका बेटा? अच्छा था, तेज था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप बोल रहे हैं पढ़ाई में तेज नहीं थे? नहीं, मैं पढ़ाई में तेज नहीं था। मैं पढ़ाई के प्रयास जरूर से किए थे, लेकिन विभिन्न कारणों से कहीं ना कहीं मुझे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी। मेरे माताजी लंबे समय तक मुंबई हॉस्पिटल में आईसीयू में थे, जब मेरे पिताजी को वहाँ पे उनके साथ रहना पड़ा, और कम से कम 2000 से ज़्यादा कारीगर तब डायमंड की हमारी फैक्ट्री में काम करते थे। तो ये हॉस्पिटल के कारण सर मुझे उस समय फैक्ट्री ज्वाइन करनी पड़ी थी और वो काम संभालना पड़ा था, जिसके कारण मैंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ी थी। हर्ष भाई, सूरत पारंपरिक तौर पे बीजेपी का एक तरीके से गढ़ रहा है, लेकिन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि कुछ ना कुछ सीटें वो सूरत जैसे अर्बन पॉकेट्स में निकाल पाएगी और आपके गढ़ में आपको चोट पहुंचा पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता, ये एक अलग प्रकार का रिश्ता है, ये अलग प्रकार का नाता है। ये नाता पिछले 27 साल से बहुत ही अच्छी तरह से गुजरात के विकास में, ये संबंध का बहुत ही अच्छी तरह से ये संबंध आगे बढ़े हैं। और ये साल जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हुए थे उसमें तो अच्छा अट्रैक्शन 18-20% का अर्बन पॉकेट्स में आपको मिला था। उनको लग रहा है वो तो तब था जब हमने कैंपेन भी नहीं किया, अभी हम पूरी ताकत लगा के कैंपेन कर रहे हैं, इसको बढ़ा पाएंगे हम लोग। और उनको लग रहा है कि इस चुनाव में थोड़ा डेंट होगा, अगले चुनाव तक वो आपको मुकाबला दे पाएंगे। हर चुनाव में सितंबर महीने में देश भर की शक्ति एक होके गुजरात के अलग अलग क्षेत्र में जाती है, लेकिन मैं आपको हर चुनाव के जो नतीजे आने के बाद के जो अनुमान और जिस प्रकार का हम लोग ने एक्सपीरियंस किया है, वो एक्सपीरियंस से मैं आपको कह सकता हूँ कि फिर एक बार ये दिसंबर के महीने में ये सभी लोग बिस्तर बांध के वापस अपने गांव पहुँचेंगे, और दिसंबर के बाद इन लोग को बुलाने से भी कोई लोग यहाँ पर गुजरात में आने के लिए तैयार नहीं होंगे। गुजरात की जनता ने हर समय ये लोगों का हिसाब एकदम बोलते हैं ना कि ब्याज के समय तो उनका हिसाब ठीक से करते हैं, और दिसंबर महीने के चुनाव के रिजल्ट में ये हिसाब हो जाएगा। ये सूरत का कनाल वॉकवे है, यहाँ पे पहले एक गंदा नाला था उसके ऊपर ये वॉकवे बना है। आप इसको अपने एक डेवलपमेंट अचीवमेंट के तौर पे पेश कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, सूरत में इस प्रकार के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पूर्ण हुए हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ये 3 किलोमीटर लंबा कैनल वॉकवे, यहाँ के कम से कम 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या जो आसपास के क्षेत्र में है, उनके मॉर्निंग वॉक से लेके शनि रविवार को पूरे सूरत शहर के लोग यहाँ पे टहलने को आते हैं अपने परिवार के साथ। यहाँ पे एक गंदा सा कैनल हुआ करता था, वो कैनल पे आज एक खूबसूरत वॉकवे शहर के नागरिकों के लिए, सेहत के लिए और घूमने के लिए एक अच्छा सा स्थल बना है। सूरत की एक नई पहचान बनी है। कई महानगर पालिका, देश भर के कई महानगर पालिका यहाँ पे स्टडी टूर पे आए और ये प्रोजेक्ट को एक मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पे अलग अलग जगह पे पेश किया गया। हर्ष भाई, इस सूरत के कनाल वॉक पे वॉक करते वक्त मुझे उस मोरबी ब्रिज की याद आ रही है कि चुनाव से एन पहले इतनी बड़ी ट्रेजिडी। विपक्ष कहता है कि मोरबी के उस पुल के साथ एक तरीके से गुजरात का जो विकास का मॉडल था वही गिर गया। देखिए, चुनाव के सीज़न में इस प्रकार की बहुत दुखद घटना पे राजनीति करना, ये मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना थी और घटना बनते ही मुख्यमंत्री जी ने अपने सभी कार्यक्रम को रद्द करके घटनास्थल पर पहुँचे थे। मैं भी उनके साथ उसी समय मोरबी पहुँचा था। हम दोनों लोग ने वहाँ बैठ के, सबसे पहला काम सरकार का होता है इस प्रकार की कोई घटना बने तो सभी पीड़ितों को किस प्रकार से ट्रीटमेंट दी जाए, उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट संपूर्ण दी गई, आसपास के शहरों में हॉस्पिटल्स में व्यवस्था की गई, सभी परिवारों को सब प्रकार की मदद किस प्रकार से मिल पाए, वो सरकार ने सबसे पहला काम किया। पर ये भी तो फैक्ट है ना कि जो उस ट्रेजिडी के लिए ज़िम्मेदार लोग थे, जो कि ओरेवा कंपनी की मैनेजमेंट मालकियत है, उसको तो आप पकड़ नहीं पाए।
अब विपक्ष कहता है कि भाई अगर ये मुसलमान होता तो अब तक आप इसे कहीं से भी खोज के ले आते, ये क्योंकि आपकी पार्टी के पास में सपोर्टर है, आपकी पार्टी उसको सीरियसली ले ही नहीं रही पकड़ने के लिए। देखिए, विपक्ष ये विषय को राजनीतिक विषय बना रहा है। हमने जैसे ही घटना बनी, मुख्यमंत्री जी मोरबी पहुँचे, उससे पहले हाई लेवल कमेटी के पास ये घटना की तहकीकात के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई। सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को कुछ ही घंटों में सभी जगह लोगों को वहाँ पे घटना स्थल पे बुला के उसकी तहकीकात की। अभी एफएसएल के अंदर कुछ सैंपल्स ऑलरेडी उसके चले गए, उसका चेकिंग चल रहा है और मेरा ये मानना है कि ये रिपोर्ट आने वाले दिनों में जल्द से पेश की जाएगी और वो रिपोर्ट के मुताबिक एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। चूक कहाँ पे हुई आपके हिसाब से, क्योंकि अब तक तो आपकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई होगी, इतनी बड़ी चूक कि आप पैसा भी देते हैं, वो कुछ वहाँ पे वायर्स को चेंज नहीं किया जाता, पुरानी वायर्स को रीपेंट करके फिर शुरू हो जाता है, वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी है उसकी नाक के नीचे पुल का इनॉग्रेशन होता है, उनको पता ही नहीं है, और आप कहते हो कि गुजरात इंडिया की बेस्ट रन स्टेट है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, हम लोग ने एक भी रुपया ये पुल के मरम्मत के लिए वो कंपनी को नहीं दिया है। वो कंपनी ने ये पुल मरम्मत करके उसको पीपीपी मॉडल पे चलाने के लिए और वहाँ के जो पहचान है ये वो ब्रिज को वापस रिस्टोर करने के लिए सरकार के पास से मांगा था। ये जो खर्च हुआ है वो कंपनी ने किया है, वो सरकार ने नहीं किया है। लेकिन ये जो घटना बनी है, वो घटना के वक्त जिस प्रकार से हम सब ने वीडियो में देखा कि बहुत ही बड़े पैमाने में लोग उसके जो तार थे, जो लोहे के तार थे, उसको जिस प्रकार से वो ब्रिज को झुलाने के लिए लोहे के तार पे जोर जोर से पैर से धक्का मार रहे थे, वो भी एक बड़ा कारण इसके पीछे हो सकता है। राजीव ब्रिज आपका तार मारने पे, लात मारने पे अगर गिर जाए, सर ये क्या बोल रहे हैं? ये झूलता ब्रिज है। झूलता ब्रिज मतलब स्विंगिंग ब्रिज है। स्विंगिंग ब्रिज के जो तार होते हैं वो कहीं ना कहीं स्विंग होने के लिए होते हैं, लेकिन वही स्विंगिंग ब्रिज पे अगर आप एक के बदले स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए कि झूल भी लो, लक्ष्मण झूला पे भी तो लोग कूदते रहते हैं दिन भर। स्ट्रेंथ पूरी होनी चाहिए और यही विषय की तहकीकात के लिए ही ये कमेटी बनाई है। वो जो मोरबी में प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके बाद गुजरात के बाहर लोगों ने ये देखा कि बीजेपी और पीएम खुद आपको कैसे परसीव करते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी पीएम के साथ पुल पे सारी चीज़ें आप ही समझा रहे थे और कोई था नहीं वहाँ पे, कोई सीआर पाटिल नहीं, सीएम नहीं, कोई नहीं, आप ही और पीएम के साथ आपकी बातचीत चल रही है। सभी सीनियर लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे, हालांकि पीएम के साथ तो आप घटना के समय सीएम साहब के साथ मैं वहाँ पे सबसे पहले उनके साथ वहाँ पहुँचा था और मैं ग्राउंड पे वो स्पॉट को मैं संभाल रहा था। उसके लिए वो पूरी तहकीकात जो हुई थी, किस प्रकार से घटना बनी और घटना के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, लोगों को कैसे बाहर निकाला, फायर ब्रिगेड की टीम ने क्या किया, लोकल नागरिकों ने क्या किया, हॉस्पिटल्स पहला पेशेंट कितनी मिनट के अंदर पहुंचा, उसके अंदर एम्बुलेंस कितनी पहुंची। पीएम साहब ने बहुत छोटे छोटे विषय पे सवाल पूछे थे, बहुत छोटे छोटे विषय पे, और हर एक विषय पे काम किस प्रकार से नीचे तक हुआ और ये घटना का कारण क्या हो सकता है। और उन्होंने पहले ही बार मीटिंग में यह कहा कि किसी भी प्रकार का ये इंक्वायरी में कोई भी इन्फ्लुएंस ना आए और उसको गंभीरतापूर्वक सभी सीनियर ऑफिसर्स इसको सबसे बड़ी प्राथमिकता देके मात्र रिपोर्ट नहीं पर रिपोर्ट के साथ साइंटिफिकली एफएसएल और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसका रिपोर्ट 360 डिग्री एकदम परफेक्ट बने जिससे सबको न्याय मिले। एक बात खास है कि यहाँ पे कोई भी हो, अरबपति या फिर साधारण गरीब आदमी, सब आते हैं सड़क किनारे नाश्ता पानी करने के लिए। हर्ष भाई, ऐसा क्यों है कि कोई भी हो, अरबपति भी यहीं पे आता है? ये सुर्तियों का मिजाज रहा है कि कहीं ना कहीं सूरत अपने खानों के लिए हमेशा चर्चा में रहा है और सूरत के खाने की चर्चा हमेशा सभी लोगों ने सुनी होगी। ऐसा कहा जाता है कि काशी का मरण और सूरत का जमन, जमन मतलब भोजन, तो सूरत का भोजन हमेशा बहुत ही फेमस रहा है। ये स्ट्रीट बहुत फेमस है सूरत की, इसे SVNIT का कोना कहा जाता है और यहाँ पे कई सूरती खाने की जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत फेमस है। मैं पिछली बार जब आया था मैंने देखा था कि पीछे बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट्स थे, हाँ, और रेस्टोरेंट में कोई नहीं जा रहा था, लोग किनारे में अपनी दरी बिछा के बैठे थे चटाई पे और रेस्टोरेंट से खाना मंगा रहे थे। ये सूरत की परंपरा रही है कि अगर
कोई भी त्यौहार होगा तो त्यौहार लोग अपने परिवारों के साथ यही फुटपाथों पे बनाएंगे, यहाँ पे बैठ के रात को लोग अपने परिवार के साथ बैठ के त्यौहार मनाते मनाते खाने का लुफ्त उठाते हैं। बड़े बड़े त्यौहार भी आप मर्सिडीज़ गाड़ी से लेके रॉल्स रॉयस तक आपको रोड पे खड़ी हुई मिलेगी, और रॉल्स रॉयस में बैठने वाले सभी व्यक्ति यहाँ पे रोड पे यही फुटपाथ पे बैठ के खाते हैं, यही सूरत की पहचान है। जय मजामा भाई, जय हमने खमन खमन करो खमन दाल वड़ा ब्रेड पकौड़ा अपना खबराओ ब्रेड पकौड़ा ये राहुल जी ये सूरत के खमन है। क्या है? सूरत के खमन। अच्छा, सूरत के खमन बहुत फेमस है, देश भर से आने वाले लोग सूरत में आते ही पहले खमन या लोचा खाते हैं, और ये खमन है। आप इसका टेस्ट लो, मैं भी लेता आप इसी में से ले लेते हम लोग बहुत छोटे थे बचपन से यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा खाने आते थे स्कूल के टाइम पे। जयेश भाई के पिताजी यहाँ पे पहले ये पूरा लारी चलाते थे। ये स्ट्रीट इसके लिए पहले से फेमस है, ये स्ट्रीट खास तौर पे सुबह के टाइम पे कुछ यहाँ के 200-500 मीटर में जो लोग हैं वो सूरत की अलग अलग जो ट्रेडिशनल फूड है उसके कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, और ये सभी लोग यहाँ पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और सूरत के सभी क्षेत्र से लोग यहाँ पे आते हैं। मेरा भी यहाँ पे अगर मैं सूरत में जिस दिन प्रवास में होता हूँ तो शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जिसमें सुबह मैं यहाँ पे चाय पीने या नाश्ता करने नहीं आता हूँ। सभी लोगों के साथ मिलना भी होता है, मॉर्निंग वॉक के लिए लोग यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। तो ये रोड से ये लोगों से मेरा बहुत सालों से बहुत पुराना ताल्लुकात रहा है, और ये लोगों के साथ मेरे जीवन के अच्छे बुरे दिन मैंने यहाँ पे बिताए हैं। ये टेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, है तो बहुत टेस्टी। यही खासियत है, कम से कम 55 साल से यही कारोबार से उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। ये क्या है सर? ये खमन का ही एक पार्ट है, और ख़ास तौर पर बटर और कुछ मसाले के साथ और सेव के साथ मिक्स करके लोग खाते हैं, लेकिन ये बड़ी फेमस चीज़ है। सूरत में आए और लोचा खाए बिना जाए तो फिर बहुत टेस्टी। ऐसे गुजरात के लोगों को देश भर में, मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना, मैं खिलाड़ियों से जब मिलता हूँ और जब मैं उनसे बात करता हूँ तो पता चला कि पहले जब गुजरात के प्लेयर्स नेशनल्स खेलने जाते थे तो लोग उन्हें उनके पाँव खींचने के लिए लोग क्या बातें करते थे, तो गुजरात के लोगों को फाफड़ा जलेबी, खमन ढोकला और इस प्रकार के अलग अलग नामों से लोग उनको बुलाते थे। लेकिन आज उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आया है। आप देख सकते हो कि नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक्स में गुजरात के भी कई खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और मेडल्स भी प्राप्त किए हैं। सब खाना आपके लिए इसके लिए उन्होंने बनाया है। अच्छा। कि आपकी हालत बहुत दुबली है। नहीं, मैं दुबली नहीं है। तो ये जयेश भाई जैसे करने के लिए आपको ये सब व्यवस्था की गई है। आपको मेरे जैसा बनना चाहिए। आप जैसे गुजरात की यूथ के तौर पर आप जो इलेक्शन हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? अभी इलेक्शन के टाइम पे तो सब आते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम्स है वो कोई नहीं। क्या है आपकी रियल प्रॉब्लम? सेफ्टी, ट्रैफिक, बहुत बहुत सारी। बहुत खराब हो रहा है यहाँ पे ट्रैफिक? हाँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और सेफ्टी में क्या इशू आपको लगता है? सेफ्टी मतलब गर्ल्स सेफ्टी। आप सेफ नहीं फील करते हो? नहीं, मतलब इधर क्राइम रिपोर्ट्स बहुत सुना है, पार्ले पॉइंट के पास बहुत सुना है क्राइम रिपोर्ट्स। गर्ल्स सेफ्टी मतलब हमें देखना पड़ता है कब हम बाहर जाएं, कब हम कॉलेज के अंदर आएं। तो हर्ष भाई, ये मैं देख रहा था आपके जो अपोनेंट्स हैं वो भी इस बात को लेके प्रचार कर रहे हैं सेफ्टी को लेके। गुजरात में इससे पहले सेफ्टी का भी ऐसा इशू रहा नहीं है, ये विमेन सेफ्टी का इशू इस इलेक्शन में ज़्यादा है। मैं ये विषय पर ख़ास तौर पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक तो सेफ्टी की जो लोग बात कर रहे हैं, शायद मैं सभी डेटा खुले रखने चाहता हूँ यहाँ पर, ये क्षेत्र हो सूरत हो गुजरात हो, गर्ल्स सेफ्टी में NCRB के डेटा के मुताबिक गुजरात देश का सबसे सुरक्षित राज्य आज भी है। आज भी गुजरात की बेटियां आधी रात तक नवरात्रि के डांडिया खेल सकते हैं। यही साल गरबे यहाँ पे गुजरात में 4-4 बजे तक लोग खेल के गए हैं। नहीं तो गर्ल्स ही अनसेफ, आप कह रहे हो बहुत सेफ है, वो लड़कियाँ अनसेफ फील कर रही हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि परसेप्शन के आधार पर या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के ज़माने में पर्टिकुलर केसेस की चर्चा करें, केस बहुत बने
लेकिन कौन सा केस पूछेंगे तो एक भी केस ध्यान में नहीं होगा। मेरा आपके ध्यान में आता है कोई केस? वो कह रहे हैं कि परसेप्शन ज़्यादा ख़राब है सेफ्टी को लेकर, हकीकत तो बेटर ही है बाकी जगह। मतलब अगर हम डुमस साइड जाए, अगर डुमस रोड, तो वहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं, मतलब जाते तो कमेंट पास करते हैं और बहुत गंदे गंदे। इवन BRTS में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं, डुमस साइड बहुत है वैसा। ये एरिया तो अच्छा है, लूज कमेंट, लूट कमेंट टाइप का करते हैं। तो ये तो आप ही को सॉल्व करना है ना सर, यहाँ के आप यहीं से। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न पे सरकार बहुत ही गंभीरता पूर्वक काम कर रही है। मेरी बहनों को उनका जो परसेप्शन है वो परसेप्शन जरूर से बदलना चाहिए। एक केस बने तो भी हमारे लिए, समाज के लिए ये ठीक नहीं है और हम उसी दिशा में आगे काम कर रहे हैं। सभी लोगों को अपने अपने अलग अलग जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस रखने का हक है और वही एक्सपीरियंस को सुन के हम लोग अलग अलग विषयों में काम करते हैं। हर्ष भाई, आप गुजरात में स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के भी मिनिस्टर हो, कुछ खेलते भी हो या सिर्फ मिनिस्टर ही हो? या मैं रेगुलर रनिंग करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ और कई गेम्स में मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ। बच्चा था तब से जिमनास्टिक करता था रेगुलर। खेलते हो आप? हाँ, क्रिकेट भी खेल लेता हूँ कभी कभी। तो हो जाए दो हाथ। चलिए प्रयास करते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तौर पे गुजरात में स्पोर्टिंग कल्चर बने, इसके लिए आप कैसे कोशिश करें? देखिए, हम सब जानते हैं कि 2002 पहले ये गुजरात और ख़ास तौर पे गुजरात के खिलाड़ी हमारे जब नेशनल अंतर्राष्ट्रीय खेल में जब भाग लेने जाते थे और ख़ास तौर पे गुजरात के खिलाड़ियों को दूसरे राज्य के खिलाड़ी या तो खमन ढोकले के नाम से, फाफड़ा जलेबी के नाम से पुकारते थे। 2002 से मोदी जी ने गुजरात के 18,000 गाँव में खेल महाकुंभ की शुरुआत की और खेल महाकुंभ के माध्यम से गाँवों में से खिलाड़ियों को ढूंढने की एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म पुरवार हुआ और उसी के माध्यम से स्पोर्टिंग कल्चर गुजरात में डेवलप हुई। 2010 में ये स्टेडियम्स, अलग अलग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई स्पोर्ट्स पॉलिसी, उसके माध्यम से गुजरात के अंदर हमें बहुत ही अच्छे खिलाड़ी मिले और आज आप देख सकते हो कि खेल महाकुंभ में यही साल गुजरात के 56 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया था और ये साल गुजरात ने नेशनल गेम्स की भी मेज़बानी की और एक ऐतिहासिक समय में मात्र 3 महीने के अंदर ये गेम्स की पूरी प्लानिंग करना, आयोजन करना और गुजरात के 6 शहरों में नेशनल गेम्स का ख़ास तौर से आयोजन किया गया था और देश से पधारे हुए सभी खिलाड़ियों ने ये नेशनल गेम्स की खास तौर पे व्यवस्था के लिए और गुजरात का जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सभी खिलाड़ियों ने खास तौर पे तारीफ भी की और सभी एसोसिएशन ने पूरे साल के दरमियान इस फैसिलिटीज़ के उपयोग के माध्यम से अलग अलग गेम्स और अलग अलग गेम्स का नेशनल कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे किस प्रकार से आयोजन किया जाए उसके लिए भी सरकार से खास तौर पे विनती की। अब तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी क्रिकेटिंग कल्चर भी बन रहा है। पहले गुजरात में क्रिकेट के खिलाड़ी कहाँ से आते थे, अब तो रविंद्र जडेजा हो, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हार्दिक पांडे, कई सारे लोग यहाँ गुजराती बैकग्राउंड से आ रहे हैं। देखिए, ये तो स्क्रीन पे आने वाले खिलाड़ी है, ये तो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, लेकिन गुजरात के हर एक गली में आपको एक यूसुफ पठान मिलेगा। कोई और गली में जाओगे तो रविंद्र जाडेजा मिलेगा, उससे आगे जाओगे तो विराट कोहली मिलेगा। गुजरात स्पोर्टिंग के सेक्टर में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है और ख़ास तौर पे गुजरात के जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने के लिए भाजपा सरकार ने बहुत ही अच्छे काम जिला लेवल पे और ख़ास तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र है उस पे भी ये काम को नीचे तक ले जाने का प्रयास किया है। 2017 के चुनाव में जब मैं, हर्ष भाई, गुजरात आया था, तब जो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो डायमंड ट्रेडर्स हों, टेक्सटाइल मर्चेंट्स हों, उनकी कई शिकायतें थी GST को लेके वगैरह, वो काफ़ी परेशान थे BJP से। अब हम लोग एक KP सांगवी की डायमंड फैक्ट्री में हैं, यहाँ पे आपके हिसाब से वो इश्यूज़ हैं या जो पिछले इलेक्शन के इशूज़ थे अब वो ख़त्म हो गए? देखिए, GST देश के ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं ये मान रहा हूँ कि बाबा आलम के ज़माने के कई ऐसे नियम थे जो देश के अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं बिजनेस सेक्टर को तोड़ रहे थे,
और कहीं ना कहीं जीएसटी के माध्यम से देश के अलग अलग व्यापारों को तेजी मिली है और एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। खासतौर पर सूरत के व्यापारियों को पहले एक नया कानून था तो वो कानून में सेट होने में थोड़ा समय जरूर से लगा, लेकिन आज जीएसटी के माध्यम से लोगों को फ़ायदा हुआ है और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों के बिजनेस में एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो कि इसके माध्यम से लोगों के बिजनेस बढ़े हैं और इजी भी हुआ है। ये फॉर्मेट की वजह से कहीं ना कहीं हर रोज़ की जो अलग अलग एजेंसीज हैं, अलग अलग नियमों के जो लागू पड़ते थे उसमें से बाहर निकल के एक ही नियम के अंतर्गत सब लोग काम कर पा रहे हैं, उससे लोगों के बिजनेस बढ़े हैं। मैम आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे हमारे दर्शकों को कि आप क्या कर रहे हो अभी? अभी मैं अपना मौसनी ऑपरेटिंग कर रही हूँ। हाँ। इसमें डायमंड उठा के इसमें मार्किंग जो रखे हुए ना उसमें आई पी एस मार्क इसे रखना है और जो मार्किंग दी है उसको शेयर करके हमको उसे ऑपरेटिंग करना है। कहाँ है डायमंड आपका? ये रहा डायमंड, ये असली डायमंड है। हाँ, तो इसके साथ आप क्या कर रहे हो? इसके भी इसके उठाऊंगी, इसमें आई पी एस मार्क के जो मार्किंग वो दिया है ना उसके साथ शेयर करके उसमें जिसके कंप्यूटर के द्वारा शेयर कर दूंगी। हर्ष भाई, यहाँ पे जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उनकी लाइफ पहले से बेहतर हो उसको आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं? या आप मान के चल रहे हैं कि ये तो आप ही के वोटर हैं या आप ही के साथ रहेंगे और कुछ, मतलब आप मतलब वो आम आदमी पार्टी वाला आप नहीं, वो भाजपा वाला आप? देखिए, ये सूरत शहर है। हाँ। सूरत शहर हमेशा विकास की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। आपने एक चीज़ अगर मार्क की हो तो ये पूरे डायमंड के ये यूनिट में आपको सभी जगह पे बहनें काम करते हुए दिखेगी। ये एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। यहाँ पे आपको हर एक सेक्टर में, चाहे वो टेक्सटाइल मार्केट हो चाहे वो डायमंड मार्केट हो, हर सेक्टर में पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे तो महिलाएं कामों के साथ ज़्यादा जुड़े गए हैं। ये सभी बहनों को सरकार की ओर से अलग अलग विषयों में अलग अलग सेक्टर के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, डायमंड टेक्सटाइल्स और ये सभी कामों के अंदर, और उनको रोजगारी दी जा रही है। यहाँ पे बहनें हैं, इसी प्रकार से कपड़ों में भी बहुत बड़ी संख्या में बहनों को काम दिया गया है। राहुल जी, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे देखा जाता है। ये डायमंड को पैकेट को इस प्रकार से खोला जाता है और इसको ऐसे पकड़ के, ये मेन पार्ट है और इसके अंदर जो वेस्टेज था वो लोग ने पहले मार्किंग किया था, वो मार्किंग के बाद जो लेज़र मशीन्स थे उससे खींचा था और डायमंड्स को ऐसे देखा जाता है। ये शहर डायमंड को परखने वाला शहर है, बस मैं खाली इतना ही आपको कहना। आपको है डायमंड की परख? मुझे पूरी परख है, मैं बच्चा था तब से डायमंड्स देखते आया हूँ। डायमंड पॉलिशिंग मुझे आता है, डायमंड पॉलिशिंग कई साल सीखा है मैंने, और मैं पूरी फैक्ट्री चला रहा था और तभी भी मैं डायमंड को पॉलिशिंग करते करते सीखते हुए ज्वेलरी बेचने तक का काम किया है मैंने, इसके लिए मुझे पता है। लेकिन ये शहर हीरो को परखने वाला शहर है और ये शहर हमेशा हीरो को पारख के आगे बढ़ता है। आपको लगता है कि यहाँ का पॉलिटिकल हीरो आप हो? नहीं, मैं नहीं, यहाँ के पॉलिटिकल हीरो ये शहर के हर एक नागरिक है। जो नागरिक हर एक राजनेता के साथ हो या फिर सिस्टम के साथ मिलके विकास के काम को आगे बढ़ाता है। यहाँ पे मिनिस्टर हमें डायमंड शॉटिंग में क्रैश कोर्स देने वाले हैं। आपने बोला कि आपकी फुल ट्रेनिंग है, अब आप मुझे जैसे अनाड़ी को भी बताइए कि डायमंड शॉटिंग कैसे करते हैं। देखिए, आप जितनी ट्रेनिंग तो नहीं है मेरी, लेकिन मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कुछ सीखने का। हाँ। ये इसको गुजराती में और डायमंड में जो काम करते हैं लोग, इसको घोड़ी कहते हैं। घोड़ी? इसको घोड़ी कहते हैं। वो आप जो शादी में चढ़े थे वो वाली घोड़ी की बात नहीं है। ये डायमंड को परखने के लिए इसको घोड़ी कहते हैं और इसको गुजराती में चिपिया बोलते हैं। चिपिया? हाँ। चिपिया से इस प्रकार से डायमंड पकड़ते हैं और ये फास्ट जो असोटिंग है उसके लिए ये खास तौर से उपयोग में आते हैं। और ये छोटे डायमंड्स जो होते हैं उसकी असोटिंग इस प्रकार से की जाती है। ये पैड के ऊपर ये लाइट के माध्यम से उसके कलर्स, उसकी जो प्योरिटी है वो एकदम फास्ट हाथ हिलते हैं। जैसे इस प्रकार से देखते देखते क्वालिटीज़ को अलग अलग की जाती है, ऐसे डायमंड्स को आगे खींचते रहते हैं और डायमंड्स की क्वालिटी और ग्रेड देख के उसको अलग अलग करते हैं। और वो ग्रेड बनाने के बाद इस प्रकार से अलग अलग जो बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर डायमंड्स को रख लेते हैं। तो डायमंड्स में नंबर ऑफ़ टाइप्स के कलर्स और नंबर ऑफ़ टाइप्स की जो प्योरिटी है उसको यहाँ बैठी हुई ये जो बहनें हैं वो उसको अलग 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 नंबर्स देते हैं। और ये बैठी हुई बहनें जो हैं वो दुनिया भर में जो बड़े बड़े नेकलेसेस बनते हैं, वो जो डायमंड्स जो जाते हैं वो कौन से डायमंड्स कहाँ जाने चाहिए वो काम ये बहनें करती हैं। देख रहा हूँ कि ये सब डायमंड के इंजीनियर्स हैं। डायमंड के ट्रेड की काफ़ी बारीकी से
जानकारी है आपकी, तो क्या ये माना जाए कि अगर हरसांगवी पॉलिटिशियन नहीं होते डायमंड मर्चेंट होते? मैं डायमंड मर्चेंट था और आज भी हूँ। अभी भी हो? हाँ। तो पहला प्यार क्या है आपका, डायमंड मर्चेंट बनना या पॉलिटिक्स? नहीं, पहला प्यार मेरे शहर के नागरिक हैं। और ये तो आपने से पॉलिटिकल डायलॉग नहीं, नहीं, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ भाई, मेरा काम है लोगों की सेवा करना, लोगों के साथ रहना, तो मेरे मन में भी तो वही निकलेगा। अगर मन में वो प्यार नहीं रहेगा लोगों के लिए तो मैं वो काम भी नहीं कर पाऊंगा। ये है सूरत की ड्रीम सिटी यानी डायमंड सिटी, जहाँ पे कोशिश हो रही है कि मुंबई में जो डायमंड ट्रेड हो रहा है उसको आप यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हर्ष भाई, यहाँ पे पहले कचरों के पहाड़ हुआ करते थे, लैंडफिल साइड से ये जगह को पहचानी जाती थी। आज ये जो आप दुनिया की सबसे बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग, तो कहाँ गया वो सारा जो बिल्डिंग जो कूड़े का पहाड़ था, कूड़े के पहाड़ को शहर से बाहर ले जाया गया और आज ये जो बिल्डिंग बनी है, यहाँ से आने वाले दिनों में हज़ारों की संख्या में लोगों को नई रोजगारी प्राप्त होगी। डायमंड हब देश का आने वाले दिनों में सूरत डायमंड बुर्स में बनेगा और दुनिया भर से लोग जो डायमंड खरीदने आने वाले हैं वो आने वाले दिनों में अब सूरत शहर में आएंगे और उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था यही ड्रीम सिटी में की जा रही है। आज सूरत डायमंड बुर्स रेडी हो चुका है, आने वाले दिनों में यहाँ पर कई होटल्स आ रही हैं, एग्जीबिशन सेंटर्स सामने हैं, तो सभी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे ही सभी व्यापारियों के लिए की जा रही है। इससे मात्र नई रोजगारी मिलेगी इतना ही नहीं, लेकिन सोशल सेक्टर में भी जिन परिवार में मात्र एक बेटा है और वो बेटा आज मुंबई में काम कर रहा है, उनके माता पिता सूरत में रह रहे हैं, तो जब एक ही फैमिली में दो घर चलाने पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं खर्च भी उनका कम होगा, बचत ज़्यादा होगी और सूरत को जो मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से जाना जाता है, आने वाले दिनों में ट्रेडिंग में भी सूरत दुनिया भर में कहीं ना कहीं एक अव्वल नंबर पे बना रहेगा। बेसिकली जैसे मोदी जी ने गिफ्ट सिटी बनाई फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, वैसी आप एक डायमंड सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, मोदी जी ने गिफ्ट सिटी भी बनाई और मोदी जी ने ड्रीम सिटी भी बनाई और मोदी जी के विजन से आने वाले दिनों में सूरत में दुनिया भर से लोग डायमंड खरीदने अब सूरत में आएंगे। तो ये बताइए, ये जो आम आदमी पार्टी ने एक फॉर्मर टीवी एंकर इसुदन गढ़वी को अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाया है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में वो और आप आपको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का चुनाव है। 2012 के चुनाव में कुछ कर ही नहीं रही, आप भी पीछे से कांग्रेस को धक्का लगा रहे हो। वो कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव 2012 में भी इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से कांग्रेस ने माहौल बनाने का प्रयास किया, 17 में भी कांग्रेस ने अलग अलग प्रकार से माहौल बनाने का माहौल बना ही नहीं रही है। माहौल तो भारत जोड़ो यात्रा में हो रहा है, कांग्रेस तो गुजरात में कुछ कर ही नहीं रही, आपको वॉकओवर दे रही है। यही समझने की जरूरत है, ये एक मिली जुली बातें हैं। कैसे? ये 22 में ये मिली जुले नजरों से कहीं ना कहीं आ रहे हैं और ये वक्त भी 22 में भी कांग्रेस का पतन होगा। गुजरात भारतीय जनता पार्टी, आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूँ, जब आप कांग्रेस का नहीं, आप समझे नहीं, आप है ही नहीं, आपका विषय ही नहीं है, विषय चुनाव का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के। कांग्रेस तो लड़ी नहीं रही, वो तो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। नहीं, भारत जोड़ो वो गुजरात भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके नेता, लेकिन वो जोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि कई सालों से काम नहीं किया है उनको। ये बड़ा फनी है, पहली बार देख रहा हूँ कि बीजेपी लगे कि नहीं नहीं कांग्रेस बहुत अच्छी टीम है, बड़ी मजबूत टीम है। कहीं नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2012 और 17 में भी कांग्रेस ने अलग अलग षड्यंत्र के माध्यम से गुजरात के लोगों को रुझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। 2022 में भी ये लोग अलग अलग नामों से और अलग अलग पार्टी के साथ मिलके प्रयास जरूर से कर रहे हैं, लेकिन 22 के चुनाव में भी वो लोगों को रुझा नहीं पाएंगे और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिक साथ में मिलके 2022 के चुनाव का एक ऐतिहासिक नतीजा लाएंगे। तो केजरीवाल को आप ज़्यादा बड़ा थ्रेट नहीं देते? वो कहते हैं कि ये जो नोट है उसके ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर डाल दो। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूँ तो इस पर क्या बोलूँ। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप इस पर क्या बोलना चाह रहे हो। ये केजरीवाल जी तो कुछ भी बोलते हैं, वो राजनीति के लिए हर राज्य के चुनाव में नए भगवान लाते हैं, उनके पीछे जो ये देश के कई पुरुष के फोटोज़ बदल जाते हैं। केजरीवाल जी और उनकी कोई बात, कभी कोई एक बात उनकी कोई फर्म बात नहीं होती है, वो चुनाव के माध्यम से और चुनाव ख़त्म होने के बाद उनकी बातें बदल जाती हैं। इन गुजरात के लोग बहुत समझदार लोग हैं। नहीं, मैं आपको इसुदन गढ़वी के बारे में पूछ रहा था, जब वो टीवी एंकर थे उन्होंने किया होगा आपका इंटरव्यू, तब क्या सोचते थे, आपको लगा कभी ये पॉलिटिकली टक्कर देंगे हमको? इसुदन गढ़वी एक अच्छे रिपोर्टर थे। हाँ।
और मैं आज भी उनको एक अच्छे व्यक्ति मान रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीति में आने की लालच में, जल्दी से कुछ बनने की लालच में गलत लोगों को पकड़ लिया है, और अब साथ साथ में वो भी उनकी दिशा भटक चुके हैं। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वापस से जल्द से वो सही रास्ते पे आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं यही मान रहा हूँ कि गुजरात के लोग वो विकास की बातों में मानने वाले लोग हैं, साथ में रह के मेहनत करने वाले लोग हैं, स्वमानी लोग हैं। यहाँ पे अलग अलग बातें करना, कभी आम आदमी पार्टी सत्यनारायण की कथा नहीं करनी, कभी आम आदमी पार्टी के नेता बोलते मंदिर नहीं जाना। ये कब बोला मंदिर नहीं जाना, ये तो आप ही अपनी तरफ से बोल रहे हैं। नहीं, मैं आप देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के वीडियोस जो वायरल हुए हैं, वो वीडियोस देखिए आप, वो लोग खुद बोले और खुद मान रहे हैं। वीडियोस में बोल रहे हैं कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मेरी बहनों को कथा में नहीं बैठना चाहिए, वहाँ पे शोषण होता है। ये किस प्रकार की बात है, किस प्रकार की गंदी राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। गुजरात में ऐसे लोगों की कोई स्पेस नहीं है। चलिए हर्ष सांघवी जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला इस जब वी मेट के कार्यक्रम के लिए, काफ़ी चीज़ें आपने दिखाई। मेरी उम्मीद है कि जब अगली बार आएँ तो ड्रीम सिटी आपकी रेडी हो जाए, और ये जो आप सपना दिखा रहे हैं सूरत के लोगों को, गुजरात के लोगों को, उसको आप पूरा भी कर पाएँ। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। Putting people first. Just look at the queues right across. About asking the right questions to those in power. Is money power being used to bring down elected governments? Who will be held accountable for ministerial corruption? It takes no sides. माँ का दर्द एक दर्द, कोई नहीं समझ सकता उस दर्द को. It reveals. It heals. Angry people came out on the streets. Is this the kind of justice system we want in this country? News is all heart and no hatred. बिल्किस बानो, आज क्या कहना चाहेंगी आप? हमारे साथ जो हुआ है किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। Experience the news with me, Rajdeep Sardesai, only on India Today. My colleague Sakshi Batra talked to Centrum Broking's Nilesh Jain about the outlook of FSN e-commerce and 197 Communications. First, we need to understand the valuation they have got at the time of listing was very high. Reason being, markets were trading at all-time high levels a year back. And looking at the higher valuation, what they got at listing price, this kind of correction was very much due and very much expected. Now, certainly, this loss has widened if you look at in terms of the Paytm number. And that is certainly adding fuel in the fire. If you look at the technical structure as well, we have seen a crack almost from the 1900 level to the levels of near about 500 in the month of March, in the month of May respectively. You are watching India Today. Bruised, battered and butchered. This is the horrific story of 27-year-old Shraddha Walkar in love with Aftab Amin Poonawala, accused of having murdered her. Shraddha suffered unimaginable physical, mental and emotional abuse. Images from 2020 show Shraddha's face full of bruises and injury marks. In a WhatsApp chat with a former boss, she said her body was in pain from all the beating she'd suffered the previous day. Injury marks on her cheeks, a cut on her nose, bruises on her neck, and swollen eyes. This image of Shraddha from 2020 has left everybody shocked. The alleged assault by Aftab Amin Poonawala was so brutal that Shraddha had to be hospitalized for 3 days. India Today has now accessed a medical report of Shraddha dating back to 2020. This report from a Vasai hospital reveals
that Shraddha complained of backache and was hospitalized because of a suspected spine injury. The police suspect the document indicates Shraddha was physically assaulted by Aftab. And in a stunning WhatsApp chat that India Today has exclusively accessed, it makes the doctor's point clearer. Shraddha had texted her manager in 2020 telling him that she will not be able to make it to work because of all the alleged beating by Aftab. She told the manager that her blood pressure was low and that her body was hurting after being beaten up. The text makes it all too clear that Aftab had assaulted her even earlier. पेशेंट हमारे पास गर्दन का दर्द और बैक पेन करके आई थी कि जिसकी वजह से उसको गर्दन की मूवमेंट करने में और उठने बैठने में चलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, पेन हो रहा था. तो फिर हमने उसको ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर योगेश पाटिल सर से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट चालू किया. बिलो हर चीक बोन, राइट ऑन अ चीक बोन, द एंटायर ब्लड क्लॉट वाज देयर ऑफ अ ब्लो गिवन राइट ऑन हर फेस, राइट ऑन हर नेक देयर वाज स्ट्रैंगलिंग मार्क्स बिकॉज शी वाज वेरी फेयर, सो यू कैन इजीली मेक आउट ऑल द ब्लड क्लॉट्स वर देयर. And on her waist, lower waist, she had blood clots. And that was clearly signs of physical abuse. Mm-hmm. And that is the same situation when we had taken her to the police station. A doctor Shraddha consulted in 2021 revealed that Shraddha suffered from depression. The doctor said Shraddha had told him about Aftab's anger issues. He described psychological test both for Aftab and for Shraddha, but she was hesitant to visit a hospital. He prescribed psychological tests both for Aftab and Shraddha, but she was hesitant to visit the hospital. I had received a call from her stating ke unko kuch sedative pills ki zarurat ho rahi hai, thoda sa psychological disturbance chal raha hai family ke andar. Unke jo Mr. Aftab karke naam bataya tha to unka nature hi kafi alag tha. I also think ke kuch wo he must be consuming some drugs as per talks wo jo mujhe samajh mein aaya ke wo kafi gusse mein rehte aur kafi time tak unko jo hai gussa rehta hai. Aftab used to beat Shraddha. And those things were also revealed from the very start of the revelations made about the relationship itself. When Aftab had literally burnt her through cigarette butts. Police sources have now revealed more grisly details from that night of horror. Aftab was reportedly a drug addict. Shraddha and Aftab had repeated arguments over his alleged marijuana addiction, and this left him very angry. A fight between the two on May 18 ended in Aftab allegedly strangling Shraddha and later chopping her body into 35 pieces. The police are still searching for Shraddha's body parts, including her skull in the Mehrauli forest. Police are sure they have in fact cordoned off a certain area where the searches are taking place to ensure that any body part that is left here in this particular forest that can be found as soon as possible. The most important piece of evidence, that is the skull of Shraddha Walkar, that is yet to be found, and that exactly is the reason that the police searches are intensifying by the day. With Akshay Dongre in Delhi, Bureau Report, India Today. Aftab Amin Poonawala is now infamous for being one of the most ruthless murderers. He was taken back to his Chhatarpur flat by the Delhi police in the dead of the night. The same flat where he's alleged to have strangled Shraddha and then chopped her body in more than 30 pieces. This place now not only has a large number of locals coming to this area, but their friends and relatives are also coming to see that house of horror. The brutal Shraddha Walkar case has left
all of India numb. And days after this house of horror in South Delhi came into the limelight, it has turned into a tourist spot. That's right. School students are flocking to the alleged mastermind's Mehrauli home, making it an entertainment spot. This is exactly where Aftab Amin Poonawalla allegedly butchered his girlfriend Shraddha into at least 35 pieces. This is the same home from where the police recovered a few remains of bones from a drain and from where the police found bloodstains from the kitchen near a cylinder. A vacuum cleaner was also recovered from this house, allegedly believed to have been used by Aftab to wipe away bloodstains from floors after cutting Shraddha into pieces. For neighbors of Aftab and Shraddha, the murder has kept them awake. Shraddha ko to maine jab saman shift kar rahe the jab dekha tha aaye the yahi se aap andar ja rahe dekha maine wife matlab achhe tarah dekha par hamara koi wo to nahi hai bolchal. This house has seen the most sordid murder. A lot of evidence is yet to be recovered by the police from this flat, which has now become a morbid site of attraction. With Arvind Ojha, Shreya Chatterjee and Rahul Gautam in Delhi, Bureau Report, India Today. It's heartbreaking to hear of what Shraddha underwent. Violence against women is a major public health issue and violation of human rights of women. The National Family Health Survey data says 30% of women in India who have been in a relationship report that they were subjected to some form or the other of physical and sexual violence by their partners. Sneha Mordani gets us this report on how these women should seek help, get help, or if you're aware of this, this is how you can help. She was young, had dreams, wanted to travel the world, pursue a career in photography. She was documenting her life and journey through divorce and a bad relationship when tragedy struck. Pakistani-American photographer Sania Khan opened her heart up on a social media platform, talking about the struggles of being in a bad relationship. This admission prompted her husband, Raheel Ahmed, to kill her at her home in Chicago on the 18th of July. He later turned the gun on himself. Sania Khan was an educated, progressive woman who did not shy away from walking out of a bad marriage. She was in an abusive relationship and was killed for it even after a divorce. Now think about the plight of hundreds and thousands of women who do not even talk about the domestic and sexual abuse they face on a daily basis. The kind of abuse they face from their in-laws, from their husbands, and the impact this would have on their mental and physical health. In fact, the National Family Health Survey says that 30% of women in India face domestic and sexual abuse. Only 14% have spoken about it. In fact, these are figures which are grossly underestimated given that many women are not even talking about this. The scourge of domestic violence transcends borders. Not too many days ago, an Indian woman who faced domestic abuse for 8 years in New York killed herself, leaving behind two young kids. Mandeep took the extreme step. One can well imagine the mental and physical trauma this young woman had to endure. This has led to a very restrictive mode of living for most women, especially in the developing countries. Additionally, continued release of stress chemicals increases the level of anxiety and also reduces the ability to enjoy oneself, thereby causing sadness or lack of interest or lack of motivation, and over a period of time may lead to clinical depression. But there is a way out. Never think you're in this alone. Women can do to enhance their mental health is first and foremost accept themselves and their potential. Women are, in today's world, empowered enough, strong enough to defend themselves. If we are
positive, happy, spreading positive vibes, not bearing resentment or animosity, we are definitely doing something good. And that means we deserve to do that or deserve to be happy. Recently, the movie Darlings brought domestic abuse back to the spotlight, where a young woman seeks revenge by paying back her husband in the same coin, beating him back. While opinions are divided on whether this should be the solution, there is help that's forthcoming still. Fielding bahut ho gayi ammi, ab batting chalo. If you're facing abuse at home, these are helpline numbers that you must dial. You can also call these numbers if you know of someone who's distressed. There are non-government organizations that offer support to women. Also, for counseling, dial the numbers on your screens. Sneha Murdani in Delhi for India Today. There is a massive political showdown in Telangana after TRS workers stormed the house of a BJP MP and vandalized it. TRS workers were allegedly angered by the Member of Parliament's remarks about K. Chandrasekhar Rao's family. Telangana Rashtra Samiti workers go on the rampage. Workers of the ruling party on Friday stormed into BJP MP Dharmapuri Arvind's house in Hyderabad. They vandalized the Nizamabad MP's house, smashing furniture, including a glass shelf where idols of deities were kept. The vandals broke plant pots, damaged a car's windshield, and burned effigies of the MP outside his residence. It is clearly out of her caste arrogance. That is, she is doing all this humbug. She is attacking other leaders, other party leaders. These people who have gotten their caste arrogance to their head, they have started seeing other communities very at a low standard. This India will not tolerate. Telangana will not tolerate. Nobody will tolerate. The TRS protest was in reaction to Dharmapuri Arvind's comments on Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao's daughter. Arvind had alleged that TRS MLC Kavita is in talks with Congress President Mallikarjun Kharge to join the grand old party. Ms. Kavita is upset with her father. She has tried to contact Mr. Mallikarjun Kharge because her father was keeping her away from political activities, especially on a day where they changed the name of TRS to VRS. That name change ceremony also she was avoiding. So when I got a call, obviously I have said to the media, to the people of Telangana. Likewise, even KCR, her father has said that she is being approached by other parties. Did she attack her father? Immediately after the attack on Arvind's residence, Kavita rejected claims made by the BJP leader. Wo allegation kis tarike se Arvind ji ke sapne mein aaya mujhe to nahi malum. लेकिन आप तो नेशनल चैनल पे काम करती है मैडम, आप खरगे जी को फोन लगा के पूछे क्या मैंने खरगे जी से फोन किया है, बात किया है. वैसे मुझे किसी भी पार्टी में ज्वाइन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. द बीजेपी कॉल्ड द अटैक प्रूफ ऑफ नर्वसनेस विद इन द टीआरएस ओवर लूजिंग ग्राउंड इन द स्टेट. टीआरएस टू डाइवर्ट द अटेंशन, इट शोज इट्स डेस्परेशन दैट पीपल आर गोइंग अगेंस्ट देम. They are losing the base. That's why they are talking all these things and they are creating such tamashas, and they have attacked a people representative, a member of parliament house. It is highly condemnable. Unhe jo kaam kar raha hai, theek nahi kar raha na. Bade ka izzat nahi de raha. Jo gaali de raha hai, wo gaali de raha. Democracy nahi hai uske upar. Isliye wo jawab usko isi se milta. Unhe gaali de to unko acha saab bol ke bolna hai kya usko? Jo dega maar raha usko. चंबर का देवल को चप्पल का पूजा.
While the political slugfest between BJP and TRS has been on for some time, it has hit a new low with personal attacks and violence. Following a statement by BJP leader in Nizamabad, MP Dharmapuri Arvind, that TRS MLC K. Kavita had a phone conversation with Congress President Mallikarjun Kharge and proposed to join the Congress party. TRS leaders condemning the statement by BJP MP had staged in protest in front of the residence of Dharmapuri Arvind, during which allegedly several leaders barged inside the house of BJP MP and vandalized and also assaulted his mother and a staff that was present inside the house. According to the police, a complaint has not been received yet and a legal action is yet to be taken. With camera person Damodar, Abdul Bashir, Hyderabad. There is suspense over what happens to Twitter next. For now, the social media platform is still operational. This despite a second mass exodus of employees following an email from Elon Musk that has asked staff to be prepared to go hardcore. Reports indicate 75% of the remaining 3,700 Twitter employees have now quit. But Elon Musk insists that the best people are staying and he's not super worried. 20 days after this viral image of Elon Musk walking into the Twitter headquarters, the true impact of his takeover is finally sinking in. Is this the beginning of the end of the social media giant? Is Twitter on the brink of collapse? A second wave of employee exodus has hit the microblogging platform. Reports suggest that Twitter is set to lose nearly 75% of its remaining 3,700 employees. This after Musk sent an email asking the staff to go extremely hardcore. Musk's mail read, "This will mean working long hours at high intensity, and that only exceptional performance will constitute a passing grade." Musk had previously ended the work-from-home regime for Twitter employees. He even asked them to spend at least 40 hours a week at work. Musk had also ended the days of rest holidays for Twitter employees soon after he acquired the company. The mail has triggered mayhem. Twitter's lead web engineer and the designers leading Blue Verified project have reportedly quit. Engineers responsible for fixing bugs and preventing outages are also out. The internal version of the app that is used by employees is also slowing down. The Twitter office is reportedly shut till Monday. A projection outside the San Francisco headquarters called Musk the choicest of names. From a mediocre man-child, petty racist, megalomaniac, worthless billionaire, to a supreme parasite and a petulant pimple. The implosion led to hashtag RIP Twitter becoming the top global trend online. And while most tech experts gave the social media platform till Monday before it went bust, the man at the center of it all, Elon Musk, remained unbothered. He first declared the Twitter usage had hit an all-time high. Then declared that the best people are staying, so he's not super worried. And then went on to share memes mocking the death of Twitter. Who's laughing at the potential collapse of the world's top social media platform? Bureau Report, India Today. A quick break. That is all we have time for on this special broadcast. Many thanks for watching. News and updates continue on India Today. Stay with us. You are watching India Today.
we have tested that on large animals, sheep and pig, and that data shows that the technology is safe for use. In fact, that data has been shared with the FDA, who have granted us 2 accelerated designations last year for the first 2 conditions we want to treat. Localized conditions such as cancer tumors, stroke, atherosclerotic plaque buildup, localized pain, and many other conditions, there is a real need to have a microrobotic, precise, remote-controlled mechanism that can treat a condition only at a specific point and nowhere else.